एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी कलेक्शन और उसको मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है वो शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आपको दिख रहा होगा ये जो मिरर है, इसके पीछे कैबिनेट मैंने बनवाया हुआ है कस्टमाइज, और उसी की शेल्फ्स में मैंने अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये बिल्कुल टीवी यूनिट के साइड में इस तरीके से मैंने ये बनवाया हुआ है। चलिए सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से मैंने अपनी ज्वेलरी को रखा हुआ है ऑर्गेनाइज करके। ये ऊपर की दो शेल्फ है, इसमें रैंडम अलग अलग सामान है, और ये जो नीचे की तीन शेल्फ है इसमें मैंने अपनी ज्वेलरी को, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अभी इसमें मैंने इयररिंग्स और बैंगल्स को इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ नेकलेसेस या टीका, वही मैंने आज इस वीडियो में आपको दिखाना है। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने रखा हुआ है। तो ये ज्यादातर बॉक्सेस हैं, ये तो जैसे मैंने सेट खरीदे हैं, ज्वेलरी खरीदी है, ज्यादातर उसी के साथ आए हैं। हाँ, कुछ बॉक्सेस को मैंने अलग से यूज किया है, जैसे ये है हीरा स्वीट्स, ये मिठाई का बॉक्स है, उसको मैंने यूज किया है। सेम इसी तरीके से ये भी एक मिठाई का बॉक्स है, बंछी पेठा, और बहुत सारे बॉक्सेस को मैंने इसी, ये बिकानो का बॉक्स है, सेम अगेन सोन पापड़ी का बॉक्स, अगेन आपको ये दिख रहा होगा पंची पेठा, और ये हिमालय का बॉक्स है, सोप आया था इसमें, ये क्या है, इमली बॉक्स, ये है मीठा पान भंडार, और ये भी सेम वही बॉक्स है, और ये मेरे बैंगल बॉक्स। ये कुछ किचन के कंटेनर्स हैं, उनको मैंने यूज़ किया है स्टोर करने के लिए ज्वेलरी को, और ज़्यादातर बॉक्सेस मैंने जैसे कि आपको बताया ज्वेलरी के साथ ही आए थे। तो चलिए सबसे पहले मैं सारी ज्वेलरी को बाहर निकाल लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने इनको स्टोर किया हुआ है। तो कलेक्शन दिखाने से पहले मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप ये फोटो देखिए, इसमें जो आपको सेट दिख रहा है ब्राइडल सेट है, माथा पट्टी के साथ बेबी पिंक कलर का, बहुत सुंदर लगता है, पूरी नथ के साथ है। उसके बाद ये एक ऑरेंज कलर का नेकलेस है, इसके साथ शैंडलियर इयररिंग्स हैं और कुंदन वर्क इसमें हो रखा है। फिर तीसरे नंबर पर ये आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, ग्रीन कलर का पूरा नेक भरा हुआ चोकर है, साथ में टीका, दो इयररिंग्स, और चौथे नंबर पे ये क्रिस्टल वर्क का नेकलेस सेट है, दो डबल लेयर है ये, और बहुत सुंदर लगता है ये भी देखने में। एक्चुअली इन चारों की एक स्टोरी है, लॉकडाउन होने से जस्ट पहले मेरे किसी नॉन पर्सन ने ये मुझसे बोरो की और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, अब वो बेचारी मुझे रिटर्न नहीं कर पा रही है। तो कोई बात नहीं, जैसे ही ये मेरे पास आएगा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी इन चारों नेकलेसेस का एक अलग से वीडियो बनाकर। तो देखते हैं इस बॉक्स में मैंने क्या क्या रखा हुआ है। सबसे पहले ये रेड कलर के इयररिंग्स और टीके का सेट है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। उसके बाद ये गोल्डन टीका है, ये गोल्डन है तो ऑब्वियसली बहुत सारे कलर्स के ड्रेसेस के साथ अच्छे से जाता है। उसके अलावा एक राजस्थानी बोरला भी मैंने इसी पैकेट में रखा हुआ है, और ये बोरला 10-12 साल पुराना है, मैंने जयपुर से लिया था, तो बहुत सुंदर लगता है, अभी भी बिल्कुल इंटैक्ट है, बहुत अच्छी कंडीशन में ये है। उसके बाद ये ग्रीन कलर का टीका है, और ये भी बहुत सुंदर लगता है, और आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में भी है ज्वेलरी, जो ग्रीन कलर की ज्वेलरी है बहुत ज़्यादा फैशन में है। ये ग्रीन इयररिंग्स हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत हैवी पीस हैं। उसके अलावा ये एक पीच कलर का पूरा ट्रायो सेट है, इसमें भी दो इयररिंग्स और एक टीका है, और सभी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद एक छोटा सा क्यूट ब्लू कलर का नेकलेस है, साथ में टॉप्स हैं इसमें ब्लू कलर के मैचिंग, आप देख सकते हैं कितने सुंदर ये लग रहे हैं और कितनी अच्छी कंडीशन में, और ये शायद मुझे लगता है 14 से 15 साल पुराना ये नेकलेस है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये बात करते हैं फ्लावर ज्वेलरी की। आप फोटो में देख पा रहे हैं मैंने फ्लावर ज्वेलरी पहनी थी अपनी ननद के संगीत में, तो बहुत सुंदर है, इसे मल्टी कलर ज्वेलरी है ये फ्लावर्स की, बहुत लाइट वेट है, बहुत सुंदर है, बहुत सूदिंग है,
और बहुत सारे कलर्स के इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, रोज़ फ्लावर्स। उसमें ये दो इयररिंग्स हैं सेट में, और एक टीका है, साथ में एक हथफुल है, आप देख पा रहे होंगे ये हथफुल है, बहुत सुंदर है। वाइट पर्ल्स चेन वर्क इसमें हो रखा है, और ये आगे रिंग आप देख पा रहे हैं हथफुल की, बहुत सुंदर है। पूरा सेट बहुत सुंदर लगता है। बहुत लाइट वेट है ये, उसके बाद आप ये देख पा रहे हैं आइवरी कलर का पर्ल में एक ये बड़ा सा रानी हार है, बहुत सुंदर है ये भी। ये आइवरी कलर ऐसा है कि ये आप किसी भी कलर की ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, ये सबसे बहुत अच्छे से मैच होता है। तो इसमें सिल्वर वर्क का हो रखा है, गोल्डन वर्क है, तो आप किसी भी सिल्वर एम्ब्रॉयडरी की ड्रेस, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की ड्रेस, कोई भी कलर की ड्रेस हो उसके साथ ये बहुत अच्छे से जाता है। बहुत सुंदर ये लग रहा है। ये भी शायद 8-9 साल पहले मैंने लिया था। उसके बाद ये आप देख रहे हैं एक छोटा सा नेकलेस है, और इसके साथ चांद बाली का सेट है, बहुत सुंदर लगता है। लाइट ओकेजन्स में, हल्के ओकेजन, छोटे फंक्शंस में पहनने के लिए बहुत सही रहते हैं इस तरीके के नेकलेसेस। उसके बाद आप ये देख रहे हैं एक स्टेटमेंट पीस है, रेड कलर का, क्रिस्टल में, बहुत सुंदर लगता है ये। आप वेस्टर्न वियर के साथ इसे पहन सकते हैं, ट्रेडिशनल वियर के साथ पहन सकते हैं, और ये सभी के साथ बहुत खूबसूरत लगता है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक छोटा सा चोकर सेट है, जिसमें ये तीन फ्लावर्स चोकर में बने हुए हैं, बिल्कुल गले से चिपक जाता है इसको पहनते हैं तो, और साथ में मैचिंग इयररिंग्स भी हैं। ये भी कई साल पहले मैंने लिया था। उसके बाद आप फोटो में देख रहे हैं एक सिल्वर कलर का सेट है, और ये सिल्वर कलर का सेट आप किसी भी ड्रेस के साथ जिसमें थोड़ी सी भी सिल्वर एम्ब्रॉयडरी, सिल्वर वर्क हो रखा हो उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। ये शैंडेलियर इयररिंग्स हैं इसके साथ भी, मैचिंग टीका है, और इसको भी शायद 7-8 साल हो गए हैं लिए हुए, और इसकी बिल्कुल भी पॉलिश वगैरह बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, ना ही कोई स्टोन निकला है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये एक ब्राइडल सेट है, और ये शायद 14-15 साल पहले मैंने लिया था। रेड कलर का है, और इसके साथ पूरा हथफुल है, और माथा पट्टी है, टीका, सब कुछ इसके साथ दिया हुआ है इन्होंने, बाजूबंद है। तो ये इसमें डबल सेट है, एक्चुअली एक चोकर है बंद, और उसके अलावा एक लॉन्ग सेट भी है। तो ये मैंने अभी तो फ़िलहाल नहीं पहनती हूँ इन्हें, हाँ मैंने ये लिया हुआ था लगभग 14-15 साल पहले। ये एक मैंने एक बार पहना था एक फंक्शन में, छोटे वाला सेट, लेकिन बड़ा सेट मैंने शायद उसी टाइम पे 14-15 साल पहले पहना था, उसके बाद मैंने नहीं उसको रिपीट किया है। उसके बाद ये पर्पल कलर का एक सेट है, ये एक्चुअली मेरी मैचिंग साड़ी थी एक, उससे मैचिंग मैंने लिया था। ये भी काफ़ी साल हो गए हैं, शायद 12-13 साल पहले मैंने इसे लिया था, और बहुत अच्छी कंडीशन में है ये अभी भी। उसके बाद ये पूरा जाली सेट है रेड कलर का, बहुत सुंदर लगता है नेट डिज़ाइन में, और इसके साथ भी मैचिंग इयररिंग्स हैं, टीका है, बहुत सिंपल सोबर है। लाइट फंक्शंस के लिए इस तरीके के लाइट वेट ज्वेलरी बहुत अच्छी रहती है, बहुत सुंदर लगती है देखने में। आप देख पा रहे हैं कि अभी भी ये कितनी अच्छी कंडीशन में है। उसके बाद ये एक्चुअली मैंने ऑनलाइन मंगाए थे 4-5 पेंडेंट सेट, उन्हीं में से ये एक है रेड कलर का, और बहुत सुंदर लगते हैं ये हल्के फुल्के फंक्शंस में पहनने के लिए, या कोई भी छोटा सा ओकेजन हो उस टाइम पे बहुत अच्छे रहते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं एक बॉक्स में मंगलसूत्र हैं आर्टिफिशियल। आप जब भी बाहर जाएं, मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप किसी वेकेशन पे जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, तो आप जो प्रीशियस ज्वेलरी है वो बिल्कुल ना पहने, ट्राई करें आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चाहे वो मंगलसूत्र क्यों ना हो। उसके अलावा एक आपको लॉकेट दिख रहा होगा राउंड में, ये बहुत साल पहले लिया था, किसी भी चेन के साथ बहुत अच्छे से जाता है, आप या कोई बच्चा घर में कोई भी पहन सकता है इस पेंडेंट को। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये ब्लू कलर का एक स्टेटमेंट पीस, ये मेरे चाचा जी ने मुझे गिफ्ट किया था अबू धाबी से, वो मुझे मेरे लिए लेकर के आए थे, बहुत सुंदर लगता है ये भी देखने में। उसके बाद ये इटालियन स्टाइल जो है आपको दिख रहा होगा नेक पीस, ये भी बहुत सुंदर है, चेन सेट है और मैचिंग इयररिंग्स के साथ बेबी पिंक कलर का, बहुत सुंदर लगता है ये भी। और ये मैंने आपको बताया था पेंडेंट सेट जो मैंने पूरा मंगाया था उसी में से एक और पीस है, ये टर्कोइज कलर का है।
गाइस आर्टिफिशियल ज्वेलरी कभी भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगती है, बस आप उसे पहनें और उसके बाद उसको उतारें और एज इट इज़ स्टोर करके रख दें, पैक करके रख दें, बस दैट्स इट। उसके बाद हम देख पा रहे हैं ये एक और सेट है, मैंने आपको रेड सेट जो ब्राइडल सेट दिखाया था उसी का दूसरा पीस है, ये लॉन्ग वाला है और ये हथफुल है, ये एक्चुअली मैंने कभी नहीं पहने, ये एक्चुअली पूरा सेट ले लिया था उस समय पर बहुत ज़्यादा फैशन में थे, बहुत हैवी हैवी नेकलेस उस टाइम पे चल रखे थे तब मैंने ले लिया था, तो ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है आज भी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये ब्लू सेट, ये मैंने, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मेरे भाई की शादी थी 2005 में तब मैंने भी लिया था ये ब्लू सेट। उसके बाद ये एक और फ्लावर ज्वेलरी है, ये लाइट पिंक कलर में है और गोटा पट्टी वर्क इसमें हो रखा है, बहुत सुंदर लगती है ये भी। और बस थोड़ा ये है कि इसको बहुत ध्यान से रखें तो बहुत लंबे टाइम तक ये ख़राब नहीं होगी, बहुत सुंदर ये लगती है। उसके बाद ये एक ऑरेंज कलर का सेट है, ये भी शायद 14-15 साल पहले मैंने लिया था और ये वही जो सेट थे मैंने बताया था ऑनलाइन मंगाए थे उन्हीं का एक और मैरून कलर का पेंडेंट सेट है, और ये अमिया स्टाइल में जो ग्रीन और रेड कलर का दिख रहा है ये भी उसी सेट का एक पार्ट है। उसके बाद ये भी मैंने 2005 में लिया था, वाइट सेट कुंदन वर्क में मेरे भाई की शादी में। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मैंने इतने पुराने पुराने सेट को अभी तक अच्छे से रखा है स्टोर करके। उसके बाद हम बात करते हैं पीस ज्वेलरी की, पीस ज्वेलरी में आपको ये स्टेटमेंट पीस दिख रहा होगा, मेटेलिक है ये और ये किसी भी वेस्टर्न वियर के साथ किसी भी ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी बेटी ने पहना था अपने एक स्कूल फंक्शन में बहुत साल पहले। बहुत रस्टिक सा लुक है इसका, बहुत सुंदर लगता है ये देखने में। उसके बाद ये मल्टी कलर सेट है, शायद मुझे लगता है सबके पास होगा, आप सबके पास ये थ्रेड वर्क में सेट और सभी तरीके की ड्रेसेस के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। फिर ये एक रेड कलर का बीड सेट है, फ्रेंड्स बीड ज्वेलरी जो होती है वो लगभग सभी ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो वेस्टर्न वियर हो इंडियन वियर हो, स्पेशली जब आप सिल्क साड़ीज या कॉटन साड़ीज डालते हैं तो उसके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद ये वाइन कलर की माला आपको दिख ही रही है। उसके बाद ये ब्लू कलर का एक सेट है, ये भी सभी तरीके की ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो इंडियन ड्रेस हो या वेस्टर्न वियर हो। उसके बाद ये एक हंसली स्टाइल में नेकलेस है, पिंक कलर का है, ये भी सभी तरीके की ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छा लगता है। गोल्डन ऑक्सीडाइज्ड सेट है ये, बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद ये मल्टी कलर सेट है, ये भी लगभग सभी कलर की ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने सरोजी नगर से लिया था 7-8 साल पहले। उसके बाद ये मल्टी कलर की माला है, ये मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट की थी। फिर ये एक ऑरेंज सेट है, ये राजस्थानी लुक में है, ये शायद मैंने आज तक कभी नहीं पहना, मैंने लिया था और मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों नहीं पहना, पर ये एज इट इज़ रखा है जब से ख़रीदा था। उसके बाद ये एक ब्लैक सेट है, ब्लैक आपको दिख रहा होगा नेपाली बीड्स में, और ये मैंने बहुत पहना है, एक्चुअली ब्लैक कलर है तो लगभग सभी ड्रेसेस के साथ ये बहुत अच्छे से जाता है, आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से है। उसके बाद ये एक और नेकलेस है, अफगानी स्टाइल में है ये नेक पीस, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था और बहुत सुंदर लगता है ये भी वेस्टर्न वियर के साथ। उसके बाद ये दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे, ये मैंने ऋषिकेश से लिया था, पर्ल ब्राउन कलर का जो पर्ल सेट है, और ये एक छोटा सा गोल्डन सेट और है। उसके बाद ये
पिंक कलर का एक सेट है, स्क्वायर में बहुत सुंदर है, ये भी कुंदन वर्क है इसमें। उसके बाद ये नेकलेस सेट है, वही पेंडेंट सेट जो मैंने आपको बताया था उसी का ही एक पार्ट है। फिर ये एक माला है, ग्रीन एंड मैरून कलर की है, और ये भी लगभग सभी ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छी लगती है और बहुत सिंपल, बहुत सोबर लगती है ये, और लगभग सभी कलर के ड्रेसेस के साथ ये बहुत सुंदर लगती है। उसके बाद इसके साथ आप देख पा रहे हैं एक और ग्रीन कलर का पेंडेंट सेट है ये। उसके बाद ये कुछ छोटे छोटे पीसीज हैं नेकलेस के मैचिंग टॉप्स के साथ, और ये एक सिंपल सिल्वर कलर का है स्टेटमेंट पीस। तो ये छोटी मोटी आउटिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, ऐसे कहीं बाहर जा रहे हैं। और ये ग्रीन कलर की एक और ग्रीन और रेड कलर की बीड्स वाली माला है, ये भी मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट की थी। उसके बाद देखिए मल्टी कलर का सेट है ऑरेंज वर्क में थ्रेड वर्क का। तो ये सारे के सारे मैंने जितने भी पीसेज आपको दिखाए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको कैसे लगे। उसके बाद ये एक बाजू बंद का सेट है, और सबसे पहले ये मैं आपको बताऊँ, ये दो स्टेटमेंट रिंग है मेरे पास, एक रेड कलर की है और एक ये ग्रीन कलर की है। उसके बाद ये बाजू बंद हैं, चार पाँच आज से 14-15 साल पहले बहुत ज़्यादा फैशन में थे बाजू बंद, स्पेशली देवदास मूवी जब रिलीज हुई थी उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गए थे। तो ये उसी टाइम पे मैंने ख़रीदे थे, उसके बाद ये इतना ट्रेंड में नहीं रहे। ये ब्रेसलेट स्टाइल में है बाजू बंद, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना आप लोगों को ये सारे के सारे सेट्स हैं जो मेरा कलेक्शन है कैसा लगा। उसके अलावा मेरे पास कुछ पुराने सेट्स भी हैं, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली क्या है, हर एक सेट के साथ कुछ ना कुछ इमोशंस जुड़ी होती हैं, तो वो ख़राब भी हो जाए उन्हें फेंकने का मन नहीं करता। किसी के साथ कोई और फीलिंग जुड़ी है, कोई भाई की शादी में लिया था, कोई बहन की शादी में लिया था। ऐसी ये कि मैंने किसी ओकेज़न पर एक और ऑरेंज कलर का ब्राइडल सेट लिया था, पर ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो ये मैं पहन नहीं पाती हूँ, लेकिन फेंकने का मन भी नहीं करता है, इस पे रस्ट आ गया। इसी तरीके से ये एक राजस्थानी मल्टी कलर सेट है, ये भी अभी रस्ट आ गया इस पे, लेकिन पता नहीं क्यों फेंकने का मन नहीं करता है। तो इन सबको मैंने अभी संभाल कर रखा हुआ है। पूरा टीका और नेकलेस और इयररिंग्स का सेट था ये भी एक। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो एक थम्स अप ज़रूर देना, लाइक ज़रूर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए मेरे वीडियोस का आगे सबसे पहले, तो आपको जो बेल आइकन दिख रहा है इसको ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।